हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे आपका स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है नगर निगम में फॉर सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड फॉर कंस्ट्रक्शन फर्म। तो आज के इस वीडियो में हम यही पूरी ऑनलाइन प्रोसेस देखेंगे। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बिल्डिंग परमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाना है। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों, जो भी नगर निगम है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ लॉगिन, उसके नीचे में दिया है सेलेक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां पे जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर निगम है उसकी एक सारी लिस्ट यहां पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, सिरमिरी, दुर्ग, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के नगर निगम है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ भिलाई को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भिलाई। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड किया, उसके बाद अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ पे टॉप राइट साइड में आपको यहाँ पे साइन अप दिखेगा, तो साइन अप पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नेम, प्लेस, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स आपको फिलअप करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विल पॉजिटिवली एक्टिव। मतलब कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो भी मेल्स एंड मैसेजेस आएंगे वो आप तक रिसीव हो जाए। और एक बात यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है। और जैसे कि आप कैटेगरी में देख पा रहे हैं आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, इंजीनियर, और नीचे से देखें तो टाउन प्लानर, सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर इंजीनियर। और ये कैटेगरी आपको एक स्पेशल चीज मिलेगा, वो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एजेंसी। इस तरह से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो नगर निर्माण का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना है। जब आप अपने सारे डिटेल्स फिलअप कर लेंगे उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे जिसमें आप आराम से पढ़िए, फिर टिक करने के बाद आपको अगेन सबमिट करना है। एंड लास्ट आपको कंफर्मेशन का एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो डिटेल्स फिलअप किए हैं वो सभी सही हैं। उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म कर देंगे तो आपको जो भी नगर निगम है जैसे भिलाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उनके पास आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन चले जाएगा। फिर नगर निगम डिसीजन लेगा कि आपको लाइसेंस देना है या नहीं देना है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे तो ये लाइसेंस आपको मिल जाएगा और आपके ईमेल और मैसेज में एक मेल और मैसेज रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है ऑनलाइन का, तो फिर आप वापस इसी वेबसाइट में आकर लॉगिन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आपका लाइसेंस रहेगा सिर्फ और सिर्फ भिलाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर जो भी आप म्युनिसिपल सेलेक्ट करते हैं सिर्फ उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए ही लिमिटेड रहेगा। अगर आपको अदर स्टेट का भी अथॉरिटी चाहिए तो ये सब फिर से आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट जरूरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसे आप देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और ये ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप अपने नियर बाय नगर निगम में जाइए और आपका जो क्वेरीज है वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रोसेस ऑफलाइन अप्लाई करना है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो तब तक बने रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।